मैंने यहाँ पे मोबाइल होल्डर बनाने के लिए एक मेटल का रिंग लिया है, 2 मीटर 16 पीस कॉर्ड लिया है वाइट कलर का, और ऊपर से रैपिंग के लिए रेड एंड वाइट कलर का कॉर्ड लिया है, और कुछ बीड्स लिया है। पहले कॉर्ड को हाफ फोल्ड में लेकर रिंग पे ऐसे फिक्स करना है। पूरे 16 कॉर्ड को ऐसे ही फिक्स करना है। एंड में दो रेड कलर का कॉर्ड ले रही हूँ मैं, वो जो है 3 मीटर का है। लास्ट में दोनों तरफ से एक एक रेड कलर कॉर्ड लिया है। अब मैं यहाँ पे लास्ट का जो रेड कलर कॉर्ड है उस कॉर्ड से हर कॉर्ड पे रैप करते जाऊँगी। गौर से देख लीजिए, मिडल कॉर्ड तक ऐसे ही रैप करते जाना है एक लाइन कंप्लीट होने तक। यहाँ पे एक लाइन रैपिंग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फिर से लास्ट का और एक रेड कॉर्ड लेकर सेम रैपिंग कंटिन्यू करूंगी एक लाइन कंप्लीट होने तक। मेरा यहाँ पे रैपिंग कंप्लीट हो रहा है। मैं दोनों साइड में सेम रैपिंग ले रही हूँ, जैसे इस साइड क्या है वैसे ही उस साइड भी करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में जो 4 रेड कलर कॉर्ड आया है उसमें मैं अब फ्लावर बीड्स जो लिया था उसे डाल रही हूँ। उसे डाल के स्क्वायर नॉट डालूँगी। अब मैं यहाँ पे मिडल का एक रेड कलर कॉर्ड लेकर उस पर पाइपिंग नॉट डालते जाऊँगी। हर एक कॉर्ड से रेड कलर कॉर्ड पे पाइपिंग नॉट डालना है एक लाइन कंप्लीट होने तक। यहाँ पे मेरा एक लाइन पाइपिंग नॉट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फिर से और एक रेड कलर कॉर्ड लेकर उस पर पाइपिंग नॉट डालती जाऊँगी। ऐसे ही दोनों तरफ पाइपिंग नॉट डालना है। अब देख सकते हैं मेरा यहाँ पे दोनों तरफ पाइपिंग नॉट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर नॉट डालते जाऊँगी। जितना बड़ा पाउच चाहिए उतना आपको स्क्वायर नॉट डालते जाना है।
मेरा यहाँ पे स्क्वायर नॉट डाल के कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा पाउच बनेगा। अब मैं यहाँ पे जितना विड्थ है उतना कॉर्ड लेकर यहाँ पे जो होल दिखाई देता है वहीं से कॉर्ड को डाल के दोनों तरफ ऐसे ही डाल के नॉट डालना है। मैं यहाँ पे वेस्ट कॉर्ड का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये अंदर की तरफ रह जाएगा और ऊपर से रैपिंग आएगा, इसीलिए मैं वेस्ट कॉर्ड का यूज़ कर रही हूँ। आप भी चाहो तो यहाँ पे वेस्ट कॉर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जितना लेंथ है उतना ही कॉर्ड लेना है। मैं यहाँ पे हाफ मीटर का कॉर्ड ले रही हूँ। कट करके जो वेस्ट था उसे ऐसे फिक्स करना है। पूरा 19 कॉर्ड लिया है मैंने। ऊपर से रैपिंग के लिए भी मैंने वेस्ट कॉर्ड का ही यूज़ किया है। ये जो रेड कलर कॉर्ड है ये वेस्ट ही है। अब मैं यहाँ पे छोटा सा नॉट डाल रही हूँ। नॉट डालने के बाद अब यहाँ पे मैं रेड कलर कॉर्ड से रैप करते जाऊँगी दो लाइन कंप्लीट होने तक। ऐसे ही रैप करते जाना है। एक लाइन रैपिंग कंप्लीट होते ही रेड कलर कॉर्ड को यहाँ पे जो होल है वहाँ से अंदर की तरफ लेके फिर से रैपिंग कंटिन्यू करना है। हर बार टर्न लेते वक्त ऐसे ही करना है। लाइन रेड कलर कॉर्ड से रैपिंग कंप्लीट होते ही यहाँ पे वाइट कलर कॉर्ड को ज्वाइंट करके सेम रैपिंग कंटिन्यू करना है। मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर कॉर्ड पे रैपिंग कर लिया है। आप देख सकते हैं अब मैं यहाँ पे व्हाइट कलर कॉर्ड को कट करके वहाँ पे रेड कलर कॉर्ड को जला के लगा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे दो लाइन कंप्लीट होने तक सेम रैपिंग कंटिन्यू करूँगी। Thank you.
अब मेरा यहाँ पे रैपिंग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जो नीचे का जो स्क्वायर नॉट का हिस्सा है वहाँ का चार कॉर्ड लेकर ऊपर का दो तीन वाइट कलर कॉर्ड को उसके बीच में डालकर पीछे की तरफ लेना है और उस चार कॉर्ड को लेकर स्क्वायर नॉट डाल। और से देख लीजिए, नॉट डालने से पहले मैंने ऊपर का जो चार दो तीन कॉर्ड लेकर उसे पीछे की तरफ लिया है। आप यहाँ पे गौर से देख लीजिए, मैंने यहाँ पे नॉट डाल के कंप्लीट किया है और कॉर्ड को भी कट करके लिया है। अब यहाँ पे पीछे जो कॉर्ड था उससे दो दो कॉर्ड पे एक एक छोटा सा नॉट डालना है, सिंपल सा नॉट डालना है क्योंकि ये निकल ना जाए। नॉट डालने के बाद जो बचा हुआ कॉर्ड है उसे कट करना है और उस कॉर्ड को जला के पीछे की तरफ लगा देना है। स्टार्टिंग में जो नॉट डाला था उसे कट करके पीछे की तरफ जला के लगा देना है। रैप करने से पहले जो नॉट डाला था रेड कलर कॉर्ड से उसे भी कट करके जला के पीछे की तरफ लगा देना है। अब मैं यहाँ पे बीड्स डाल के वहाँ कॉर्ड को ज्वाइंट कर रही हूँ। गौर से देख लीजिए, सेम ऐसे ही हर कॉर्ड पे बीड्स डालकर ज्वाइंट करना है। अब मेरा यहाँ पे बीड्स डालकर कंप्लीट हो चुका है। अब देख सकते हैं मैंने इस तरह बीड्स लगाए हैं। अब यहाँ पे रिंग पे कॉर्ड को रैप करना है। मैं यहाँ पे 2 मीटर का रेड कलर कॉर्ड ले रही हूँ और ऐसे रैप करते जा रही हूँ। गौर से देख लीजिए फ्रेंड्स, पूरा एक राउंड ऐसे ही रैप करते जाना है। मेरा यहाँ पे रैपिंग कंप्लीट हो चुका है। बचा हुआ कॉर्ड को मैं कट करके जला के पीछे की तरफ लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबा दीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके सामने जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। इससे मैं
जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा।